हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू ऑल आई होप सब बढ़िया एकदम मस्त एकदम झनचक यस आई ऑडिबल एंड विजिबल आप मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो क्या हम लाइव हो चुके हैं यस गुड इवनिंग एवरीवन एंड टुडे वी हैव अनदर टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ऑर्गेनिका सीरीज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी सीरीज जो एनटीएस और एनसीजेएस के स्पेसिफिक है अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो छोटी सी सीरीज है राइट फाइव सिक्स लेक्चर्स की इफ यू कंप्लीट दिस सीरीज तो दैट विल एश्योर की यू विल बी एबल टू क्रैक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन फॉर एनएससीजेस एंड आल्सो एनटीपीसी हाय एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल आई एम ऑडिबल एंड विजिबल यस ओके ग्रेट गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग तो आज जो ऑर्गेनिका में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आई मैरिज्म की आई मर्ड्स की एंड डेफिनेटली हम वो सब चीजें कवर करेंगे विच आर रिक्वायर्ड फॉर एन ए सी जी एस और यू कैन से योर एन टी एस सी एग्जाम राइट सो आई गेस वी शुड स्टार्ट विद द सेशन करें हम आज का सेशन स्टार्ट यस एवरी वन गुड इवनिंग चलो जी सो इंटरेस्टिंग चीज से स्टार्ट करते हैं आई होप बहुत सारे बच्चों को ये गगनयान मिशन का पता होगा इंडिया का वो अपना खुद का मिशन जिससे ह्यूमन मैंड स्पेस में जो आपकी क्राफ्ट है वो वो मिशन है उसको लॉन्च करने का मिशन उसको काबिल बनाने का मिशन है तो आई गेस इंडिया फर्स्ट मैंड फ्लाइट टू स्पेस तीन आई गेस अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वही है कि इंडिया इज वेरी मच रेडी टू गिव इट अ सक्सेसफुल शॉट कि तीन लोग तीन जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाए स्पेस में तो वेरी वेरी ओन ऑलरेडी uh, हम कहें अमेरिका रशिया एंड चाइना ने किया है सिर्फ तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है खुद के दम पे ना इस टर्न फॉर आर ओन कंट्री आर ओन इंडिया राइट सो इसरो का सबसे एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट

मोर अबाउट इट गगनयान मिशन राइट चलो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन नो सीनियर एंड जूनियर दोनों एक ही दे सकते हो या कोई सीनियर सक्सेसफुली बहुत सारे बच्चे हैं राइट right, जो इस बैच का पार्ट बन चुके हैं अर्ली मॉर्निंग क्लासेस द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बैच इज सुबह सुबह क्लास लग जाती है चल रही है तो जल्दी से रजिस्टर कराओ डेड लाइन इज फोर्टीन सेवन इफ यूम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम बट यू आर एलिजिबल यू शुडिनेटली पार्टिसिपेट बिकॉज इट इज अग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू सो बैच इज रनिंग जहां पर लेटेस्ट जो पैटर्न रिवील किया है एन सीजीएस के लेकर नेशनल है उसके हिसाब से टेस्ट होंगे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तथा बुकलेट मिलेंगी दैट विल बी यूजफुल नॉट जस्ट एन एस सीजीएस एंड सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एन एग्जाम ये सो अगर आप अभी भी इस बैच का पार्ट नहीं बने हो तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच फोर फोर नाइन नाइन इज द प्राइस पॉइंट एनपीआर प्रो कोड यूज कर लेना टू गेट द बैच इन दिस प्राइस पॉइंट एग्जाम तक बैच चलेगा सारे बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे बहुत वंडरफुल प्लान है जिससे आप एनी सीजेस ट्रैक करने की जो आ, आप में चाहत है उसको आप अंजाम दे पाओ राइट सो so, अगर आप ऑलरेडी वेदांतों के किसी लॉन्ग टर्म बैच का पार्ट हो तो वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू यू कैन अवेल दिस बैच एट द प्राइज पॉइंट ऑफ थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड के प्राइस पॉइंट पे आप इस बैच को वेल कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है उसको फिल कीजिए आर टीम विल कॉन्टेक्ट यू राइट चलो लेट स्टार्ट रुद्र इंपॉर्टेंट है गैस लॉस आइडियल गैस वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचर आईटीएन से पॉजिटिव अच्छे एटीट्यूड के साथ पढ़ो दो महीने हैं अच्छे से पढ़ोगे इंपॉर्टेंट एग्जाम इट इज जस्ट में हमने ऑर्गेनिका नॉर्मन क्लेक्चर नेमिंग नॉर्मन क्लेक्चर की बात की थी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोमैरिजम सो वॉट आर आइसोमर्स आइसोमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मुला तो सेम होता है बट प्रॉपर्टीज अलग होती हैं राइट दो मॉलिक्यूल सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे आर नोन एज आइसोमर्स एंड आइसोमर्स ये जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म सो टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म टेंथ क्लास के बच्चों के लिए एन एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राइट सो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरीज में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अनदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म राइट अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं डिटेल में हम पढ़ेंगे इन सबको उसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ मेटामैरिजम एंड फंक्शन आइसोमैरिज्म का एक पार्ट होता है स्पेशल पार्ट बेसिकली अगर मैं कहूं स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स अगर मैं आइसोम बोल रही हूं मतलब मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फॉर्मला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है राइट तो स्ट्रक्चुरल आइसोमैरिज्म कहते हैं उसके मेजरली तीन अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूं वन इज चेन अनदर इज पोजिशन अनदर इज

ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड कॉन्फर्मेशनल राइट जोमेट्रिकल तीन पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्लियर सो कन्फर्मर कहते हैं बेसिकली कंफर्मेशनल तो क्या है इनको बोलूंगी मैं कन्फर्मर ठीक है तो पूरे कन्फर्मेशन तो स्टीरोइसोमेरिज्म को भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल दिया जाता है कॉन्फिगुरेशनल सॉरी कंफर्मेशनल ही कॉन्फिगुरेशनल भी बोला जाता है सो so, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एंड कंफर्मर्स आते हैं एंड ये जो तीनों हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है इनफैक्ट इनमें से मोस्टली दैट इज बीइंग कवर्ड इन क्लास राइट थोड़ा पार्ट ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट वी डू कवर इन क्लास इलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड अंडर क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सिलेबस तो आपको जो करना है स्पेसिफिकली वो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चुर पे फोकस करना और उसमें भी चेन पोजिशन और फंक्शनल जिसपे क्वेश्चन आते हैं राइट तो ये आपका फोकस होना चाहिए फॉर एनटीएससी फॉर एनएससी जीएस राइट सो लेट अस स्टार्ट पढ़ते हैं लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो मैंने बताया आपको व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स राइट सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अरेजमेंट ऑफ एटम जिस तरह से आटम अरेज हुए हैं उससे वो अलग बन गए हैं स्ट्रक्चर अलग ले लिया है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म राइट सो इसका सबसे पहले जो टाइप है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है नाम से पता चल रहा है चलो लेटमी रेटेन फॉर्मूला सी फाइव एच ट्वेल्व तो आप अगर सी फाइव एच टू जो इससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये बनाएंगे राइट फाइव कार्बन की चेन एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों पेंटेन दिस इज पॉसिबल स्ट्रक्चर पेंटेन स्ट्रेट चेन फाइव कार्बन की राइट एंड व्हाट इज द पॉसिबल सेम फॉर्मूला फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फोर कार्बन की चेन है और एक हैच सेम फॉर्मूला उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन बट दिस इज नॉट पेंटेन पेरेंट चेन हो गई ये और पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गए फोर तो दिस विल बी ट्रू मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल ब्यूटेन दोनों में क्या फर्क है दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट वो जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो अलग है इसमें पेरेंट चेन में भी है फाइव कार्बन और इसमें पेरेंट चेन में भी है फोर कार्बन इसकी पेरेंट चेन का नाम है पेंटेन और इसकी पेरेंट चेन का नाम है ब्यूटेन राइट सो ऐसा आइसोमेरिज्म वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जहां नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट दैट इज नोन एज चेन आइसोमर फॉर्मूला सेम है जब मैं आइसोमर वर्ड यूज कर रही हूं ना दैट मीन दोनों का फॉर्मुला वही है सी फाइव एच चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम अरेन्जमेंट चेन का अलग है यस सो दिस इज नोन एज चेन आइसोम इनको आपस में क्या बोलेंगे दे आर, चेन आइसोमर विद द सेम फॉर्मूला इन दोनों के अलावा भी क्या कोई और चेन आइसोमर बन सकता है सेम फॉर्मूला के साथ लेट सी तो ऐसे बना सकते हैं जरा देखिए इज इट करेक्ट फाइव कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आते थ्री 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 कितने हाइड्रोजन है योगी पेरेंट चेन इसका नाम क्या हो गया टू टू मिथाइल प्रोपेन अब इसमें पेरेंट चेन का नाम है प्रोपेन तीन कार्बन की चेन है सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन दे आर नोन एज चेन आइसोमर एक था पेंटेन एक था टू मिथाइल ब्यूटेन अब एक है टू टू डाय मिथाइल प्रोपेन सब में नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट है फाइव कार्बन आइटम इन पेरेंट चेन ब्यूटेन हुआ था फोर प्रोपेन हुआ थ्री वॉट इट सो दिस इज योर चेनोम कार्बन आइटम शुड बी प्रेजेंट इन एलकेन टू शो चेन आइसोमैरिज्म जल्दी से देखते हैं कौन आंसर बताएगा कम से कम एल्केन में कितने कार्बन आइटम हो ताकि वो चेन आइसोमैरिज्म शो कर सके क्विक ये yes, न आंसर दिस देखते हैं कितनी जनता इसको आंसर कर पाती है चेन आइसोमैरिज्म दिखाने के लिए एलकेन में कम से कम कितने आपके आटम होने चाहिए हाउ मैनी आइटम शुड बी देर ये कम से कम कितने आटम्स हो एलकेन में ताकि वो चेन आइसोमैरिज्म शो कर पाए ओके शिवा गुड और लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो जतिन यू हैव टू फिल अनदर फॉर्म जतिन यू हैव टू फिल अनदर फॉर्म यस प्लीज अरे दो कार्बन की डिफरेंट चेन कैसे हो सकती है दो तो साथ में बॉन्डेड होंगे अर्जन यस लेट्स सी कितने लोग तो नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं इनके कार्बन एटम अलग-अलग करने यार अगर दो ही कार्बन है वो तो ऐसे ही होंगे यही पॉसिबिलिटी है तीन होंगे तब यही है अगर मैं ऐसे भी अरेंज कर दूंगी तब भी तो पेरेंट चेन यही हुई ना सबसे लंबी कंटिन्यूटी में चेन तीन ही हुई तो अगर फोर कार्बन है एक तो उससे स्ट्रेट चेन बन सकती है और एक बन सकता है इस तरह से तो इसमें पेरेंट चेन है थ्री कार्बन की इसमें कितने की है फोर की तो वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट इज रिक्वायर्ड ताकि चेन आइसो दिखा सके हमारा कंपाउंड कितना है पॉसिबल आंसर आंसर वॉट इज आंसर सी कम से कम चार कार्बन तभी डिफरेंट चेन्स बन पाएंगे ये yes, जिनका नाम अलग होगा प्लीज कीप इन माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं बेटा जब भी तुम दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हो दो स्ट्रक्चर जैसे चेन आइसोमैरिज्म इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमैरिज्म जब भी आप दो स्ट्रक्चुरल आइसोमर्स की बात कर रहे हो उनका आई यूपीएससी नेम अलग होना चाहिए एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए अगर वो चेन आइसोमर्स है तो उनके पेरेंट चेन का नाम अलग होना चाहिए राइट ओके सो इंडीड. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नियो कार्बन आर प्रेजेंट इन ऑल चेन आइसोमर्स ऑफ़ है हमारे पास नियो कार्बन किसे कहते हैं एक साथ में बताना चाहूंगी ऐसा कार्बन जिसपे तीन CH3 जुड़े हैं ये जो मेरा कार्बन है जिसपे तीन सी एच थी जुड़े इसे बोलेंगे हम नियो कार्बन जिसमें तीन सी एच थी जुड़े हो मतलब एक ऐसी सी टेल हो कुछ ये रहा वो कार्बन राइट? So that is कार्बन राइट सो दैट इज नियो तो आपसे पूछा हाउ मेनी नियो कार्बन आइटम्स इन ऑल द चेन आइसोम जितने भी चेन आइसोमर पॉसिबल अभी हमने बनाया भी इसको सी फाइव एच टे ना अभी हमने कौन से बनाए थे पेंटेन टू मिथाइल ब्यूटेन टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन तो आपसे पूछा है कितने ऐसे कार्बन हैं लेट्स सी इन ऑल द पॉसिबल आइसोम चेन आइसोम लग जाएंगे एक ये बनाया था हमने एक बनाया था ये इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी चेन की ये चेन हो सकती है फाइव कार्बन फोर एंड थ्री तो लेट्स चेक योर आंसर्स बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं द आंसर इज कौन सा आंसर है द आंसर इज ए कौन सा वाला स्ट्रक्चर कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो मैंने चेन बनाई थी द चेन टू टू डाय मिथाइल राइट ऐसी टेल है चलो

ओके okay, प्लीज कांटेक्ट में हो बता टेलीग्राम बच्चा टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट करो यस सी सिक्स एच फोर्टीन तो देखें कौन कौन सी चेंज बन सकती है एक तो सिक्स कार्बन की स्ट्रेट हाइड्रोजन लगा देना कितने वन टू थ्री फोर ये इसका नाम हो जाएगा है है, नहीं लगा रही मैं है, लगेंगे एक फाइव की चेन, इसका जाएगा और की 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 इसका हो जाएगा और भी है हमें बनाने हैं होगी राइट यस तो ये हो गए चेन आइसोमर्स और अगर मैं चेन आइसोमर्स की बात करूं बट यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है राइट right? सो so, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं चेन आइसोमर्स की बात करूं तो चेन आइसोमर्स हैं तीन अभी वापिस जब हम आइसोमर्स की बात करेंगे right? yes, so come back to this question, but अभी तीन चेन इसके अलावा कोई पॉसिबल चेन है तो बताइए इसमें फाइव इसमें फाइव इसमें फोर थ्री की हो सकती है अगर मैं थ्री की कोई चेन बना दू कार्बन आइटम की बट तीन कहाँ लगाऊंगी ये तो अपने आप ही सबसे लंबी चेन बन जाएगी फाइव की है ना तो दिस इज नॉट पॉसिबल थ्री की रिंग तो दीज आर द्री पॉसिबल चेन आइसोमर्स राइट अब इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा तो उस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज रिंग चेन आइसोमर्स सेम फॉर्मूला बट सेम फॉर्मूला से एक रिंग वाला मॉलिक्यूल बना और एक स्ट्रेट चेन वाला मॉलिक्यूल बना फॉर एग्जाम्पल आई हैव थ्री एच सिक्स अब देखो जरा मैं इससे जो फॉर्म मॉलिक्यूल बना रही हूं दिस इज द मॉलिक्यूल अनदर इज दिस मॉलिक्यूल ठीक है ये मॉलिक्यूल है दोनों सेम फॉर्मूला यस बट सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला दोनों का तीन कार्बन छह हाइड्रोजन बट एक स्ट्रेट चेन बनी है और एक रिंग तो इनको आपस में क्या बोलेंगे हाँ बिल्कुल टू थाउजेंड नाइन बॉन्ड हो अगले साल टेंथ में हो एलिजिबल तो ठीक so तो है सो दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज रिंग तो आपस में इनको बोलेंगे आइसोमर है सेम फॉर्मूला है बट एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है और एक रिंग वाला राइट right? अब आपसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लाइकली टू हैव मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर एनसीईआरटीएस 2014 का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा ऐसाMolecule आपको दिख रहा है जिसका एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है अभी हमने किया देखो एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है ये तो एक ही CH4 है ही और कई पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा C3H8 C3H8 तो C3H8 है जनरल सी थ्री का होता है सी थ्री एच दिस एलके जनरल फॉर्मूला एलकेच टू एन है तो ये फॉर्मूला एलकेन का हुआ दिस इज एलकेन एलकेन क्या पॉसिबिलिटी है ये तीन कार्बन की चेन ही होगी और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और इसमें दिस इज एल्कीन तो दो ही कार्बन है तो और क्या पॉसिबिलिटी होगी अभी मैंने लिया इससे एक हमारा बन जाएगा स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है पॉसिबल स्ट्रक्चर रिंग रिंग भी बन सकती है दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए यस तो इसका आंसर क्या आएगा व्हाट शुड बी द आंसर व्हाट शुड बी द आंसर जल्दी बता दो क्या आंसर होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए यस yes, चलो, ठीक है? है, वो का क्वेश्चन था देखो, Now, नाम से पता चल रहा पोजिशन अलग, अलग हो सकती है आइसोमर है तो फॉर्मुला सेम है बट पोजिशन अलग है या डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो भी खास बात है उस मॉलिक्यूल की उसकी पोजिशन में डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मॉलिक्यूल सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री राइट दिस इज द फॉर्म मॉलिक्यूल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स राइट एंड आई एन मोलिक्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री इसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली exactly यही है दोनों का फॉर्मूला सेम है दोनों का फॉर्मूला इज सेम तो देर आईज उमर स्ट्रक्चर अलग है तो नाम भी अलग होगा इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा टू मिथाइल फाइव कार्बन की चेन है उसके सेकेंड कार्बन पर मिथाइल इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा थ्री मिथाइल चेन में फाइव ही कार्बन है दोनों के नाम में जो डिफरेंस है वो किसका है पोजीशन का इसमें मिथाइल थर्ड पे इसमें सेकंड पे तो ऐसे आइसोमर जहां तुम्हारी सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है आइसोमर है फॉर्मुला वही है बट पोजीशन जैसे यहां पर मिथाइल सेकंड का आरंभ लगा पेरेंट चेन की इधर थर्ड दे आर नोन एज पोजिशनल आइसोमेरिज आइसोमर्स राइट दे आर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज पोजिशन आइसोमेरिज पोजिशनल आइसोमेरिज सिमिलरली लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस बस पोजिशन अलग है राइट right? CH2 double bond CH CH2 CH3 इसका नाम क्या होगा ब्यूट वन इन इसका नाम क्या होगा ब्यूट टू इन दोनों का फॉर्मूला वही वही कार्बन वही हाइड्रोजन सेम सी फोर एच एट सी फोर एच एट दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों आइसोमर है और डिफरेंस क्या है वन लिखा ही है यहां टू मतलब डबल बॉन्ड की पोजिशन का पेरेंट चेन भी फोर कार्बन की है बट देर इज अ डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज वाई देर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स ओरिजिनल बिहारी स्टडी अगर इस साल सिलेक्ट अगले साल डेफिनेटली दे सकते हो बेटा जब तक एलिजिबल हो तब तक यू कैन गिव द एग्जाम राइट सो सो यू कैन सी हियर ये जो एग्जांपल है डबल बॉन्ड की पोजीशन जो भी मिली है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों का फॉर्मुला सेम बार है बट ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन लगे वन और यहाँ टू राइट तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे ना उनके नाम में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा वो जो नंबर लिखे होते हैं जैसे वन टू यहाँ पे वन टू बाकी पूरा नाम सेम होगा बट वो जो नंबर डिजिट लिखे होते हैं वो अलग होंगे चलो बताओ ब्यूटिन वन ओल और ब्यूटिन टू ओल क्या है आपस में

Yes. Okay. So, आपको दिख रहा है इसका नाम होगा चलो लेट्स नेम राइट द बच्चों नेम। तो जिन बच्चों ने सी नेम का लेक्चर नहीं देखे से नाम क्या होगा वन ये पहला कार्मन इसका नाम होगा ब्यूट वन इन बस यहाँ टू इन है और वो वन इन है दैट मीन सिर्फ पोजिशन का ही फर्क है दे आर पोजिशनल आई इट दर पोजिशनल आइसोम ओके नाउ इज फंक्शनल आइसोमर नाम से क्या पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप अलग है फॉर्मुला वही है बट फंक्शनल ग्रुप अलग है लेट मी शो यू एन एग्जांपल मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं एक है सी एच थ्री ओ सी एच थ्री दूसरा है सी एच थ्री सी एच एच दो मॉलिक्यूल है, ठीक है आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है इधर हमारा ओ एच है और इधर हमारा ओ है ये है ईथर ग्रुप इज ईथर एंड दिस इज अल्कोहल, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी बट दोनों का फॉर्मूला सेम है दो कार्बन है सिक्स हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन दोनों का मॉलिकुल यही है C2H6O मतलब वो आइसोमर्स है बट

चलो अभी मैं दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ आप लोग बताओगे मुझे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप तुम्हें नजर आ रहे हैं पहले तो मुझे ये बताना कि ये दो मॉलिक्यूल जो मैंने बनाए हैं क्या ये आइसोमर है फर्स्ट क्वेश्चन आर दे आइसोमर्स आइसोमर्स है या नहीं ये चेक करने के लिए तुम्हें क्या चेक करना है फॉर्मुला सेम है उतने ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन उतना ही ऑक्सीजन द फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज आर दे आइसोमर्स क्या ये आइसोमर्स कहलाए जाएंगे यस और नो क्विकली आर दे आइसोमर ओके तुषार वेरी गुड यस दे आर आइसोमर बिकॉज दे हैव सेम फॉर्मूला थ्री कार्बन सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन राइट सो दे हैव द सेम फॉर्मूला

क्या वो पोजिशन आइसोमर है क्या वो फंक्शनल आइसोमर है सो लेट्स लुक तो पहले में जो फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ है एंड सी एच ओ इज एल डी हाइड एल डी हाइड है ग्रुप तो इसका नाम होगा वॉट विल बी द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्रो पेन वन अल राइट एंड जो सेकंड है सेकंड में जो फंक्शन ग्रुप है और और पेरेंट चेन के बीच में इसको बोलते हैं कीटोन कीटोन ग्रुप है और इसका नाम होगा प्रोपेन प्रोपेन टू ओन ठीक है बिट प्रोपेन टू ओन दोनों आइसोमर है सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला बट एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन सो दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोम क्या बोलाएंगे इनको दे आर फंक्शनल इट चलो मैं और एग्जाम्पल लेती हूं इसके लेट मी टेक मोर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री पहले तो आप मुझे बताइए क्या जो दो मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं आर आर आइसोमर्स 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 क्या क्या आप इन्हें कहेंगे क्या ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर्स हैं क्या ये आइसोमर्स हैं जल्दी बताइए यस फॉर्म मॉलिक्यूल फॉर्मला सेम होगा तो आइसोमर होंगे डेफिनेटली

एस्टर अगर आपको एस्टर की नेमिंग याद है पिछले सेशन में हमने की थी तो पहले इस पार्ट का नाम लिखते हैं जिनको नहीं पता प्लीज आई यूपीएससी नॉर्मल को देखें पक्का आते हैं उस उसपे तो मिथाइल इथेनोवेट विल बी द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल एस्टर तो दोनों की प्रॉपर्टीज बिहेवियर में अलग फर्क होगा क्यों क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है तो ऐसे आइसोमर जहां पर फंक्शनल ग्रुप अलग होता है जिस उसकी करेक्टर प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं दैट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स यस जतिन की की बुक चलो लेट्स सी एक चार्ट जिसमें जनरल फॉर्मुला लिखा है और उस जनरल फॉर्मला से क्या क्या पॉसिबल बन सकता है जैसे अगर फॉर्मुला सी एन एच टू एन उससे एल्किन भी हो सकता है साइक्लो एल्किन रिंग वाला एल्कीन हो सकता है सी एन एच टू एन माइनस टू से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो एल्ड दो डाइन वाले का भी हो सकता है एल्काइन साइक्लो एल्किन का भी सेम फॉर्मूला होता है एल्कोहल और इथर सी एन एस टू एन ईथर बन सकता है दिस चार्ट विल हेल्प यू अगर आपने देखना है कि इस जनरल फॉर्मुला से क्या क्या पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं सो कैन यू सी एंड नोट डाउन इसको नोट कर लो चार्ट तो ये आगे भी बहुत यूजफुल होगा तो जो ये हम चीजें कर रहे हैं ना दे आर नॉट जस्ट और आपके ट्वेल्थ में अगर आप साइंस लेते हो ठीक है या नीट को करते हो तो ये सब चीजें होंगी okay, so अब मुझे बताओ ये जो आपको आइसोमेरिज्म दिख रहा है ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है क्या है ये कौन से टाइप का पहले देखो फॉर्मुला सेम है उतनी कार्बन है दोनों में लेट मी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस वन टू यहाँ थ्री है ट्रिपल वन फोर फाइव सिक्स और सेवन इधर सेवन है यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दोनों में पेरेंट चेन सेम सेवन कार्बन एक में डबल है एक में ट्रिपल है अब देखो पहले तो ये चेक करो क्या ये आइसोमर्स हैं आर दे आइसोमर्स आर दे आइसोमर्स अरे भाई इंसान क्या हो गया तुम्हें हाँ जी चलो दूस किस तरह का आइसोमर है चेन आइसोमर तो नहीं है क्योंकि पेरेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है पोजीशन भी नहीं है क्योंकि दोनों में तो एक में डबल है एक में ट्रिपल है पोजीशन तो तब होगा ना जब डबल ट्रिपल ना हो के दोनों में डबल होता है या दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता तो अब एक ही बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बनता है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल नॉट जस्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड है सो द डिफरेंस इज लाइज लाइज डिफरेंट इन जो सफिक्स यूज हो रहा है एंड राइट सो दे आर नॉट पोजिशन पोजिशन तो तब होता ना कि दोनों में डबल बॉन्ड की दोनों में डबल बॉन्ड है और पोजिशन अलग है बट एक में तो डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है ठीक चलो नेक्स्ट प्लीज इनमें से किस में फंक्शनल आइसोमैरिजम नहीं हो सकता किसमें फंक्शनल आइसोमैरिज्म नहीं हो सकता अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया अल्कोहल और ईथर अल्कोहल और ईथर सेम फॉर्मुला होता है एल्डिहाइड और कीटोन जर्नल फॉर्मुला सेम होता है तो एल्डिहाइड भी बन सकते हैं सेम फॉर्मुला से और कीटोन भी बन सकता है एलकाइल हेलाइड वर एल्काइल हेलाइट एल्काइल रूप है एन सी दर फंक्शन ग्रुप एनसी दईसो साइनाइड दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है राइट सो वॉट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्विकली किसमें नहीं हो सकता है फंक्शनल आइसोमरिजाइल हेलाइड साइनाइड एल्कोहोल एल डी हाइड सो आई गैस अभी तक तो तुम्हें बहुत क्लियर हो गया होगा एल्काइल हेलाइट क्योंकि अल्कोहल इथर एल्डिहाइड के साथ कीटोन साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड साइनाइड इज सी एन आइसोसाइनाइड इज एन सी एल्काइल हेलाइड कैन नॉट शो चलो हाउ मेनी देखो एन एस ट्वेंटी सिक्सटीन का क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव फॉर्मूला सी फोर सी थ्री एच फोर तो बता दो भाई सी थ्री एच फोर से कितने कंपाउंड बना सकते हो एन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी थ्री से कितने कंपाउंड आप बना सकते हैं लेट्स सी राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जिनका फॉर्मूला सी थ्री एच फोर हो सो so, इस फॉर्मूला से कितने कंपाउंड आप बना सकते हो जल्दी बताओ देखते हैं कितने लोगों की परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़िया है सी थ्री एच फोर हाउ मेनी पॉसिबल कंपाउंड्स कैन बी फाउंड विथ दिस फॉमूला येस बोलो हां जी सो द आंसर इज सी क्या क्या बनेंगे बनाए देखिए जरा एक तो देखो ये सी थ्री एच फोर तीन कार्बन चार हाइड्रोजन दो डबल वन डाय फॉर्मूला और एक ये दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर विद द फॉर्मूला सी थ्री एच फोर राज तो प्लीज स्टार्ट विद योर क्लास नाइन्थ और टेंथ पहले उसको कवर अप कर लो चलो डान बना रहे सो आंसर इज थ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन वी हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेज टू का एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ क्लियर लिक्विड जिसका मॉलिकुलर फॉर्मुला है सी फोर एच एट ओ क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला सी फोर एच एट ओ राइट अब मतलब ये है सी एन एच टू जनरल फॉर्मूला इसका ये विदाउट इट हैज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है विदाउट एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नहीं है राइट सी एन एच टू एन ओ तो बताओ ये क्या क्या हो सकता है एक तो स्ट्रेट चेन है और कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है तो बताओ क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है सी एन अभी मैंने एक टेबल दिखाया था तो सी एन एच टू एन ओ किस किस का फॉर्मूला था किसका जनरल फॉर्मूला ये था जल्दी से बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं विद सेम जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ क्या क्या बन सकता एक है एक ऑक्सीजन है जल्दी से कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल है यस yes. वट आर द पॉसिबल फंक्शन एन टी देखो एनटीएससी स्टेज टू का भी मैंने दिखाया था वॉट आर दॉसिबल एक बन सकता है हमारा एल्डिहाइड और एक बन सकता है कीटोन कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मुला सेम अभी बताया था मैंने और दोनों का जनरल फॉर्मुला क्या है सी एन एच टू एन ओ तो एल एंड कीटोन दैट इज सी एंड डी राइट दोनों का फॉर्मूला यही रहेगा तो आंसर इज सी एंड डी चलो अब मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म दो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ज्यादा नहीं है नहीं पूछा जा सकता ज्यादा बट मेटामेरिज्म जैसा मैंने बताया इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म की ही एक टाइप है स्पेशल टाइप है ठीक है एंड दिस इज शोन बाय दोज मोलिक्यूल जिसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कि कहते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप

तो पोजीशन का डिफरेंस है जैसे कि लेट मी टेल यू देखो सी एच थ्री सी एच टू है ठीक है agh? अब दिस इज आल्सो इथर एंड द फॉर्मला इज आल्सो सेम फर्क क्या हुआ दोनों में कैन यू टेल मी बोथ हैव सेम है दोनों में इथर ही है दोनों का फॉर्मुला भी सेम है दोनों में इथर है व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर्स? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसमें ऑक्सीजन के साइड दो कार्बन की है इस साइड भी दो कार्बन की चेन है राइट बट इसमें ऑक्सीजन के एक एक साइड कार्बन के हैं और दूसरी तरफ तीन कार्बन की चेन होगी तो जो group, वो जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ग्रुप वो डिफर करने से जो आइसोमेरिज्म आता है दैट इज नोन एज मेटामे बोलेंगे इनको दे आर व्हाट इनको बोलेंगे दे आर मेटामर्स राइट पोजीशन अलग होगी ओ की ईथर की पोजीशन ही अलग होगी तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल आई हैव दिस ओनली फॉर थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एच थ्री राइट अब इसका नाम मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे मैम इट इज वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज पेंटेन, थ्री ओन फंक्शन रूप कौन से कीटोन. अब भी सेम ही ही है उतने कार्बन की चेन है बट दोनों तरफ इधर अब एक कार्बन है और इधर थ्री कार्बन है राइट तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन टू ओन पोजिशन का ही फर्क है सिर्फ बट हम कहेंगे सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप को हम आपस में जो पॉलीबन जिनके दोनों तरफ कार्बन चेन है राइट टोन ईथर एस्टर्स सो यू कैन सी हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल फॉर सी फोर एच टेन ओ सी फोर एच टेन ओ के कितने मेटामर्स पॉसिबल है सी फोर एच टेन ओ तो ये फॉर्मूला हो गया सी एन एच टू एन ओ तो इनमें कीटोन का ये जनरल फॉर्मूला होता है कीटोन इज अ पॉलीवेड तो हमें देखना है कौन से पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मुला ये होगा दैट इज कीटोन तो आप बता दो कितने कीटोन बन सकते हैं इससे एक तो ये होगा चार कार्बन की चेन है इधर राइट right? और तो पॉसिबल कीटोन की पोजीशन इधर उधर अगर कर सकते हो टेल मी लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर सी फोर एच टेन ओ सॉरी सी फोर एच टेन है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सी एन आई एम रियली सॉरी टेन है वो सी एन एच टू एन प्लस टू ओ है फॉर्मूला है ना टेन है नौ की एट तो अगर ये फॉर्मूला है तो इससे तो ईथर बन पाएगा ईथर का जनरल फॉर्मूला ये होता है ईथर एस जनरल फॉर्मूला दिस तो बस ईथर चार कार्बन एक ये ईथर पॉसिबल है यहाँ आगे और एक ये पॉसिबिलिटी है एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर इथर और कोई पॉसिबिल्कोहल है. है, है, तो तो और इथर का जनरल फॉर्मुला सेम होता है बट एल्कोहल इज नॉट पॉलीवेलेंट हमने कहा मेटामर्स कौन दिखाएंगे जो पॉलीवेलेंट है और इथर एक पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है तो जल्दी से आंसर बता दो वॉट शुड बी द आंसर कितने पॉसिबल इथर्स है द आंसर इज यू कैन सी और एक तो ये सब में उतना ही कार्बन है यू कैन सी सेम फॉर्मूला बट दोनों तरफ कार्बन चेन अलग देखो तीन कार्बन की स्टेट चेन एक कार्बन यहाँ तीन कार्बन की चेन है बट अलग अरेजमेंट है सो दे आर मेटामर्स राइट चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चुरल आइसोमर्स चेन पोजिशन फंक्शन सब तरह के स्ट्रक्चुरल आइसोमर्स पूछे हैं कितने बन सकते हैं आप चेन भी अलग कर सकते हो आप पोजिशन भी अलग कर सकते हो अगर कोई है तो वो भी अलग कर सकते हो अभी एच सिक्स सी फोर एच सिक्स जनरल फॉर्मूला क्या है सी फोर एच सिक्स तो वॉट इज द पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर है सी फोर एच सिक्स तो ये होगा सी एन दिस इज एच टू एन माइनस टू तो ये जनरल फॉर्मूला है तो इससे क्या हो सकता है एक राइट एल्काइन एल्कीन भी हो सकता है और एल्काडाइन भी डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड आ गए मॉलिक्यूल में वो भी हो सकता है तो आपको इस फॉर्मूला से जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो सब बनाने हैं लेट्स चेक कौन पॉसिबल सही स्ट्रक्चर बनाता है विद फॉर्मूला सी फोर एच सिक्स स्ट्रेट रिंग जैसा भी दिल करे वैसा बना के बताओ यस yes. देखिये जरा क्या आंसर होगा ट्वेल्व थ्री नाइन फाइव कितने पॉसिबल बन सकते हैं स्ट्रक्चर यस द करेक्ट आंसर इज दिस लेट्स चेक देखो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमें तो दिख रहे हैं देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड डाईन रिंग वाले एल्काइन वाले एंड एक ये जो है दिस इज बाय साइक्लो दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी सो दीज आर द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स वही फार्मूला ए की फार्मूला सी फोर एच सिक्स और इतने सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं यस सो दैट इज आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा ना तो यू विल बी एबल टू डू इट फास्ट कि जनरल फॉर्मूला किस किस का सी एन एस टू एन माइनस टू होता है उसके लिए जो मैंने टेबल बताया था वो बहुत जरूरी है एंड अब लास्ट पार्ट टोटोमैरिज्म अब टोटोमैरिज्म क्या होता है ट्रोड्यूज अल टाइप ऑफ फंक्शनलाइसोमिजम मतलब फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंस रहता है सो so, टोटोमैरिजम में होता क्या है लेटमी राइट यू द सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये एंड सी एच टू डबल बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल का इज सेम इन दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है आपको दिख रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इज सेम दिस इज कीटोन एंड दिस इज इनोल ठीक है दिस इज कीटोन एंड दिस इज इन डबल बॉन्ड ओ

So, किसी में ये बे वॉलीक्यूल ज्यादा होंगे इनोल कॉन्टेंट ज्यादा होगा किसी में कीटो वाला और कीटो इनोल के अलावा भी बहुत टाइप है टोटोमैरिज्म की सो एज आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम जो हम टारगेट कर रहे हैं सीरीज में चलो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया वन सेवन सेवन तक स्ट्रक्चर दिए हैं आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से कंपाउंड है विच आर फंक्शनल आइसोमर्स, आपस में फंक्शनल आइसोमर, सेम फॉर्मला होंगे तो आइसोमर होंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस होगा तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। सो आउट ऑफ दी सेम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई फंक्शनल आइसोमर्स, आइडेंटिफाई फंक्शनल आइसोमर्स जैसे फंक्शनल ग्रुप अलग है मोलिकुलर सेम क्विकली लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस जल्दी से बताइए Yes, डन कौन-कौन कौन है देखो अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं देखिए जरा ओके सो तो लेट्स टेक ये चार कार्बन और ओ एच सॉरी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग है ये दोनों आपस में ये ये कह सकते हो ये ये कह सकते हो और यू कैन सी फार्मूला सेम फार्मूला सेम इसका भी

OH वाले तो छोड़ दो बिकॉज नॉट पॉलीवेलेंट अब ये polyvalent है, है, तो भाई के okay, दोनों तरफ carbon आटम का हो. ये है, इसके साथ ये है, यहाँ एक कार्बन आगे इधर इधर देखो एक और एक चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट, डिफरेंट हो गया तो ये आपस में तीनों मेटामर्स हुए क्योंकि इनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है एंड ग्रुप O के दोनों तरफ जो कार्बन आइटम उनका अरेंजमेंट अलग है राइट right? सो लेट्स चेक द मेटामर्स ऑफकोर्स फोर सॉरी फाइव एंड सिक्स सेवन नेक्स्ट इनमें से चेन आइसोम सेम मॉलिकुलर चेन चेन आइसोमर क्या होंगे जिनकी पेरेंट चेन में अलग होगा सिर्फ पेरेंट चेन का फर्क होगा आप देखते हैं इसका नाम है फाइव कार्बन की चेन है पेंटेनोल पेंटेन वन ओल, पेंटेन ओल इसका ब्यूटी टू ओल तो इसमें फाइव कार्बन की चेन है फोर कार्बन की चेन है बट ये तो आपस में आइसोमर है ही नहीं इसमें पांच कार्बन इसमें चार फॉर्मूला सेम ही नहीं है नाउ दिस इज इज पेरेंट चेन नाउसोर ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हो सकते हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है बट पेरेंट चेन अलग है फॉर्मूला चार कार्बन उतने ही हाइड्रोजन बट पेरेंट चेन इसमें प्यूटेन है इसमें प्रोपेन है राइट अब इसकी अगर मैं बात करूं वन टू थ्री फोर ये भी हो सकता है सेम चार कार्बन है

नाम फ रूप वही हो डबल ट्रिपल बॉन्ड वही हो बट पेरेंट चेन जब लिख रहे हो एक में ब्यूटेन है, एक में प्रोपेन है इतना ही सफिशिएंट है फॉर यू टू डू फॉर योर एस और एन आपका ये लेक्चर वाइज प्लान ऑर्गेनिका का है सो वी आर डन विद लेक्चर्स इन ऑर्गेनिका तो हम ये कवर ऑलरेडी कर चुके हैं अब नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दिस एंड विल बी डन विद द दिसन विद्युतिकमिस्ट्री की सबसे लीस्ट वेटेज रहती है आपके एन एस सीजी ना आईजीएस ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को टारगेट करते हुए

मैक्सिमम कवरेज हो जाती है जल्दी और बच्चे भी बहुत फ्रेश होते हैं एनर्जेटिक होते हैं एक बार उठना मुश्किल लगता है बट वॉन्स यूर गेट आउट यूर आउट ऑफ बेड सो फ्रेशनेस रहती है क्योंकि रेस्ट करके ही आए होते हो सो स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस बैच फॉर दर एनएस तो अगर कोई भी बच्चा जो एन एस टारगेट करे ट्वेंटी सेवन को जिसका एग्जाम है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बैच फॉर यू ऑल एनपीआर प्रो कोड यू कैन गेट दिस बैच इन फोर राइट एंड डू फॉलो दिस ऑर्गैनिका फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एन एस सी एस एंड एन टी एस सी राइट ऑलरेडी हम कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं और आज आईसो मैरिजम किया है चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो बचाते रहो और देश को गोल्ड जिताते रहो एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ये मेरी टेलीग्राम आई डी ये मेरा ई मेल आई डी सो की प्लानिंग कीप ग्रोइंग हाँ जी जतिन जी पियर्सन के बाद पियर्सन अच्छे से कर लो एंड देन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आरसीएम से स्टॉक्योमेट्री वाला पार्ट केमिस्ट्री का जरूर कुछ प्रैक्टिस जरूर कर लो है आरसीएम सी किसी बुक से राइट चलो तो बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल